अगर आप दिल्ली एनसीआर की किसी सोसाइटी में रहते हैं तो बहुत संभव है कि आपके फ्लैट में बिजली का प्रीपेड मीटर लगा हो और आपका मेंटेनेंस भी इसी मीटर से कटता हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस तरह मेंटेनेंस चार्ज वसूला नहीं जा सकता और ये कानूनन गलत है। फिर ऐसा क्यों है कि अधिकतर सोसाइटीज में बिजली के मीटर के जरिए मेंटेनेंस चार्ज वसूल किया जाता है? चलिए आपको पूरा मामला बताते हैं। ग्रेटर नोएडा वेस्ट, नोएडा, नोएडा एक्सटेंशन और गाजियाबाद में कंक्रीट का मानो पूरा जंगल खड़ा है। इन इलाकों में सैकड़ों सोसाइटियां हैं जिनमें लाखों लोग रह रहे हैं। अधिकतर सोसाइटियों में प्रीपेड मीटर लगे हुए हैं और इन्हीं मीटरों के जरिए सोसाइटी का मेंटेनेंस भी लिया जाता है। ऐसी ज्यादातर सोसाइटीज में बिजली विभाग की ओर से एक मीटर लगाया जाता है जो पूरी सोसाइटी के लिए होता है। फ्लैट्स में जो मीटर लगे होते हैं वो बिल्डर और मेंटेनेंस ऑफिस की ओर से लगाए जाते हैं। जब आप मीटर रिचार्ज कराते हैं तो पैसा मेंटेनेंस अकाउंट में जाता है और यहाँ से बिजली विभाग को दिया जाता है महीने में जितना भी बिल बनता है। चलिए एक उदाहरण से आपको समझाते हैं। मान लें कि किसी सोसाइटी में 1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट है। इस सोसाइटी में मेंटेनेंस का रेट 2 रुपये प्रति स्क्वायर फीट है। तब ऐसे में इस फ्लैट के मालिक को हर महीने 2000 रुपये मेंटेनेंस चार्ज चुकाने होंगे, यानी दिन के करीब 66 रुपये। अब मेंटेनेंस ऑफिस कर ये रहा है कि महीने में पैसे लेने की बजाय रोजाना आपके बिजली के मीटर से पैसे काट लेता है। तो परेशानी क्या है? बिजली विभाग की निर्धारित दरें स्लैब्स में बटी हुई होती हैं। शुरुआत के स्लैब्स में बिजली सस्ती होती है, जैसे जैसे यूनिट्स की खपत अधिक होती है बिजली महंगी होती चली जाती है। लेकिन अधिकतर सोसाइटियों में बिजली का रेट फिक्स होता है। मान लें कि 7 रुपये प्रति यूनिट बिजली के लिए वसूले जा रहे हैं, लेकिन अगर आप कम यूनिट खर्च करते हैं तो आपको ये महंगी पड़ती है। अगर आपके मीटर में पैसे कम हैं या खत्म हो गए हैं तो अपने आप आपकी बिजली कट सकती है। अगर आप शहर से बाहर हैं या फिर किसी अन्य काम में फंसे होने के कारण रिचार्ज नहीं करा पाए हैं तो मीटर में पैसे खत्म होते ही बिजली बंद हो सकती है। ऐसी शिकायतें अक्सर रेजिडेंट्स की ओर से आती हैं। चूंकि आपकी मीटर से रोजाना मेंटेनेंस के पैसे भी कटते हैं तो आपको अंदाजा नहीं हो पाता कि आपका बिजली खर्च किस तरह हो रहा है। यह आपको महीने के बाद उस वक्त ही पता चलता है जब बिजली का बिल हाथ में आता है। काफी लोगों के ऐसे आरोप भी हैं कि डीजी यानी कि पावर बैकअप के नाम पर अधिक पैसे वसूल लिए जाते हैं। अब आपको बता दें कि बिजली के मीटर से मेंटेनेंस पर नियम क्या कहते हैं। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में बनी रेजिडेंशियल सोसाइटी सुपरटेक इको विलेज 2 में रहते हैं नरेंद्र पॉल। साल 2018 में उन्होंने विद्युत उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम में एक केस डाला। CGRF कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि सुपरटेक इको विलेज 2 बिजली मीटर के जरिए मेंटेनेंस वसूली नहीं कर सकता। साल 2019 में सुपरटेक इको विलेज 1 में रहने वाले अशोक वर्मा और 2 अन्य लोगों ने भी मेंटेनेंस को लेकर CGRF की शरण ली थी। तब भी CGRF ने यही बात दोहराई थी। अपने आदेश में CGRF ने साफ साफ कहा था कि बिजली मीटरों के जरिए मेंटेनेंस नहीं वसूल किया जा सकता है। साथ ही कॉमन एरिया के लिए बिल्डर को अलग से मीटर लगाना होगा और इसके लिए वो प्रोरेटा के आधार पर चार्ज कर सकता है। जानकारों का इस पूरे विषय पर क्या मानना है वो भी आपको बताते हैं। नोएडा स्थित पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के चीफ इंजीनियर वितरण वीरेंद्र नाथ सिंह ने दी लल्लन टॉप को फोन पर बताया, माननीय नियामक आयोग ने साफ आदेश दे रखे हैं कि विद्युत मीटरों से केवल विद्युत के पैसे ही लिए जाएं। मेंटेनेंस नहीं देने पर किसी की बिजली सप्लाई को भी नहीं काटा जा सकता है। जब कोई शिकायत हमारे पास आती है तब हम संबंधित पक्ष को नोटिस देते हैं और बताते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। हमारे एक्शन के द्वारा पहले कई बार ऐसे नोटिस अलग अलग सोसाइटियों में दिए गए हैं। वहीं गाजियाबाद इलाके के चीफ इंजीनियर वितरण पंकज ने दी लल्लन टॉप को बताया, जिन मीटरों के माध्यम से मेंटेनेंस लिया जाता है वे हमारे विभाग के नहीं होते हैं। ऐसे मीटर बिल्डर्स के अपने होते हैं। सोसाइटी में हमारा केवल 1 मीटर लगा होता है, उसी से हम बिलिंग करते हैं। किसी को बिजली का व्यापार करने की छूट नहीं है। जब ऐसी कोई शिकायत आती है तो हम बिल्डर को नोटिस देते हैं। हालांकि RWA वालों का कहना है कि 30-40% लोग मेंटेनेंस जमा नहीं करते, इसलिए बिल्डर्स ऐसा करते हैं। लेकिन ये लीगल नहीं है, इसलिए जहां से भी ऐसी शिकायतें आती हैं तो बिल्डर या RWA को नोटिस दिया जाता है। अब आपको बताते हैं कि बिल्डर इस नियम का पालन क्यों नहीं करते। हमने इस मुद्दे पर नोएडा एनसीआर के रियल स्टेट कारोबारी अभिषेक मित्तल से बात की। वो एक सोसाइटी में अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन यानी कि AOA के अध्यक्ष भी हैं।
अभिषेक ने हमें बताया कि सोसाइटी में मेंटेनेंस ऑफिस के सामने बजट एक बड़ी समस्या होता है। अगर लोग मेंटेनेंस जमा करना भूल जाते हैं, जानबूझकर जमा नहीं करते हैं, तो ऐसे में RWA के पास इतने संसाधन नहीं होते कि वो लंबे वक्त तक बिना वसूली के काम कर सके। वे कहते हैं, वैसे तो डीकपलिंग हो रही है सभी जगह, लेकिन AOA या फिर RWA कैसे लोगों से पैसे ले अगर लोग नहीं देना चाहें तो। ऐसे में यही एक तरीका होता है कि मेंटेनेंस चार्जेस मीटर के जरिए वसूल लिए जाएं। हालांकि ये गलत है, अवैध है। जब लोग शिकायत करते हैं तो फिर मैनेजमेंट को डीकपलिंग करनी पड़ती है। अभिषेक ने आगे बताया, अधिकतर जगहों पर इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि सरकारी मीटरों का हिसाब रख पाए। वायरिंग की समस्या है, वो अच्छे नहीं दिखते। समस्या होती है तो डेवलपर पीछे हट जाते हैं कि आप जानो और बिजली विभाग जाने। इसलिए लोग एनकरेज नहीं होते कि सरकारी मीटर लगवाएं। वहीं लंबे वक्त से रियल एस्टेट कारोबार में जुटे अनुराग तायल बताते हैं कि जो सोसाइटी करीब 10 साल पहले बनी थी उनमें तो बिजली के सरकारी मीटर लगे हैं, लेकिन जो सोसाइटी पिछले 10 सालों के भीतर बनी है उनमें से अधिकतर में निजी मीटर ही लगे हुए हैं और प्रतिदिन के हिसाब से पैसे काटे जाते हैं। अनुराग ने कहा, इससे मेंटेनेंस लेने वालों को फायदा है, बिल्डर को फायदा है, लोग शिकायत ही नहीं करते, उनके पास टाइम ही नहीं होता, लिहाजा कार्रवाई भी नहीं हो पाती। एक अन्य रियल स्टेट कारोबारी हिमांशु कहते हैं कि नोएडा में अब पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की जगह NPCL यानी कि नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड आ गया है। कई सोसाइटियों में NPCL ही मीटर लगा रहा है। NGT का आदेश है कि DG यानी पावर सप्लाई केवल कॉमन एरिया में चलेगा, फ्लैट के अंदर नहीं। यानी अगर समस्या रहने वालों को है तो समस्या बिल्डर AOA और RWA को भी है। वहीं गौतम बुद्ध नगर के वरिष्ठ पत्रकार पंकज पाराशर इस पर अपनी अलग राय रखते हैं। उन्होंने दी लल्लन टॉप को फोन पर बताया, AOA और RWA का काम था लोगों की आवाज बिल्डर डेवलपर के सामने उठाना, प्रशासन के सामने उठाना, लेकिन अब तो ये दोनों ही मेंटेनेंस वसूलने के काम में लगी हुई हैं। बिजली विभाग और UPERC यानी उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन का ये काम है कि प्रक्रिया का पालन कराएं। पहले प्रीपेड मीटर होते थे, पोस्ट पेड नहीं होते थे। अगर नियामक आयोग ने नए मीटरों को स्वीकृत किया है तो इसके जरिए अगर कुछ गलत होता है तो उसे रोकने की जिम्मेदारी भी तो आयोग की ही होगी ना। पंकज कहते हैं कि नियामक आयोग बिल्डरों पर बड़ी शिकायतों से बचते हैं। उन्होंने कहा कि अन्य नियामक आयोग जैसे TRAI, IRDA आदि भी तो जुर्माना लगाते हैं, लेकिन UPERC केवल चेतावनी देकर काम चलाते हैं। पंकज के मुताबिक बिल्डरों ने एक तरह से समांतर बिजली कंपनियां खोल ली हैं और बिजली का व्यापार कर रहे हैं, जो पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कहा, नियमों का पालन कराने में बिजली विभाग पूरी तरह फेल है। आपके लिए तमाम जानकारी लाए हैं हमारे साथी वरुण। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।